यूपी के विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कार्यकर्ताओं सहित प्रत्याशियों द्वारा लगातार वोटरों को लुभाने का सिलसिला जारी है। चुनावी माहौल में अक्सर प्रत्याशियों के कई ऐसे बयान सामने आते हैं जो कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही बयान पीतल नगरी की काट विधानसभा से सामने आया, जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने अपनी जान का खतरा बताया। दरअसल काट विधानसभा में आपने अपनी जीत का परचम लहराने के लिए त्रिलोक दिवाकर को चुनावी मैदान में उतारा। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान त्रिलोक दिवाकर ने बताया कि अज्ञात लोगों ने उनके चैम्बर पर कालिक पोत दी और साथ ही ताले तोड़कर सामान निकालने का प्रयास किया। वहीं आगे उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जब से मुझे 25 विधानसभा कांड से आम आदमी पार्टी से टिकट हुआ है, तब से मुझे परेशान किया जा रहा है। ये कल मैं अपनी विधानसभा में अपने चुनाव प्रचार के लिए निकला हुआ था, वहाँ से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी आ रहा है। लोग मुझे और केजरीवाल जी को पसंद कर रहे हैं, उनके दिल्ली में किए हुए कामों की सराहना कर रहे हैं। मुझे कल फ़ोन आता है कि आपके चैम्बर पर आपका नाम नहीं लिखा हुआ है, वो मिटाया हुआ है और ताला चेंज है। मैंने जब शाम को आकर यहाँ पर देखा तो मेरा नाम यहाँ पर मिटा हुआ था और ताला, कोई दूसरा ताला इस पर पड़ा हुआ था। मैंने ताला तोड़कर जब ताला खोलकर देखा तो इसमें से मेरी कुर्सियाँ, मेरे पेपर और मेरे कुछ पैसे जो मैंने चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर चैम्बर पर रख रखे थे, वो गायब थे। क्या मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव प्रचार ना करूँ वहाँ पर जाकर, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि जब वो ये जिसने भी ये हरकत की है वो यहाँ पर आकर ऐसी हरकत, मतलब काफ़ी सिक्योरिटी है यहाँ पर, ऐसी हरकत कर सकता तो वो क्षेत्र में मुझे भी कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचा सकता है। कोई कंप्लेन वगैरह की आपने? जी देखिए, मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया था, लेकिन पुलिस आई थी तो हमारे बार के अध्यक्ष जी ने ये कहा था, बोले पहले हम अपनी सीसीटीवी फुटेज चेक करा लें, जो भी आएगा उस तब उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। साथ ही बताते चले कि आपके प्रत्याशी त्रिलोक दिवाकर दी बार एसोसिएशन मुरादाबाद में पदाधिकारी हैं।